यदि आप अपने फ़ोन में मनपसंद रिंगटोन सेट करना चाहते हैं, जो सॉन्ग सेट करना चाहते हैं, जो आपका मनपसंद रिंगटोन है उसे सेट करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी का फ़ोन है, तो आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आप जो अभी फ़ोन यूज कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, आप उसमें जो मनपसंद रिंगटोन सेट करना चाहते हैं वो रिंगटोन सेट कर सकते हैं। वो किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, कोई भी फ़ोन हो, आपको मैं जिस तरीका से बताता हूँ उस तरीका से आप सेट कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका और सबसे बढ़िया तरीका इसे बोल सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और वीडियो को स्किप मत करना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखिए, मनपसंद रिंगटोन सेट करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, तो आपके फ़ोन में सेटिंग होगा ही, आपको सेटिंग ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग ओपन कर लेना है और सर्च बार पर आप क्लिक कर सकते हैं। आपको नहीं बुझा रहा है तो आप यहाँ पर लिखिएगा साउंड, ठीक है, साउंड आप लिखिएगा, जैसे ही साउंड एस वाइब्रेशन, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, साउंड एंड वाइब्रेशन दो नंबर पर देख लीजिए। तो आपको ऐसे लिखकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, साउंड एंड वाइब्रेशन, यहीं से आप अपना रिंगटोन सेट कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ सेटिंग में आ जाना है और थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो आपको मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन। देख लीजिए, यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं, नहीं आपके फ़ोन में मिल रहा है तो, ठीक है। तो साउंड एंड वाइब्रेशन स्पेलिंग देख लीजिए, लिख कर सर्च कर देना है, सर्च कीजिएगा, उसके बाद उसे ओपन कर लेना है। साउंड एंड वाइब्रेशन पर एक बार आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद देखिएगा कि कहीं ना कहीं रिंगटोन का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर रिंगटोन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं रिंगटोन पर क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर मेरा जो थीम होता है एप्लीकेशन, वो थीम यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से रिंगटोन अपने मोबाइल से इंटरनेट से यूज करके कोई सेट कर सकते हैं। नहीं तो आपको प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है रिंगटोन, ठीक है। दूसरे नंबर पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको रिंगटोन का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो रिंगटोन पर क्लिक कर देना है। और रिंगटोन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको रिंगटोन मिल जाएंगे ऑलरेडी। तो आप यहाँ से प्लस वाले पर क्लिक करके आप प्लस वाले पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका फाइल खुल जाएगा। जो भी आपके फाइल में मनपसंद सॉन्ग होगा आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं माई फाइल पर, और जो भी आपका यहाँ पर रिंगटोन होगा, देखिए मेरा ये रिंगटोन है तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। जो भी आपके फ़ोन के गैलरी में रिंगटोन होगा उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो मनपसंद होगा आप जिसे सेट करना चाहते हैं, उसके बाद देखिए ओके कर देना है। ओके कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई पर, अप्लाई पर क्लिक करने के बाद दो सिम होगा तो दोनों पर पूछेगा कि किस सिम पर आप रिंगटोन ये सेट करना चाहते हैं। तो मेरा दो नंबर है तो मैं दो नंबर पर क्लिक कर दे रहा हूँ, उसके बाद मेरा दो नंबर पर ये अप्लाई हो गया है, ठीक है ना। दो नंबर सिम में मेरा ये मतलब ये रिंगटोन मेरा सेट हो चुका है। जो भी आपको रिंगटोन सेट करना है उसे पहले डाउनलोड करके गैलरी में रख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देख लीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, मिलता है अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।